गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में। हम लोग बात कर रहे थे डायपर एरिया केयर के बारे में, जिसमें हमने कल स्किन बैरियर फंक्शन समझाया था। आज हम बात करेंगे डायपर एरिया डर्मेटाइटिस के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर अनुज रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, जो कि हमको बताएंगे कि डायपर डर्मेटाइटिस होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डायपर डर्मेटाइटिस डायपर के नीचे होने वाला स्किन इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज वेरी 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 कॉमन विद चिल्ड्रन। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो स्किन की आउटर लेयर है वो पूरी तरह मेच्योर नहीं होती, और वो पानी में भीगे रहने की वजह से बहुत जल्दी सोगी हो जाती है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। तो पहली चीज ये कि जब न्यूबॉर्न पैदा हुआ, तो आप उसको, अगर आप डायपर्स यूज कर रहे हैं, तो बेटर क्वालिटी के यूज करें, सुपर एब्जॉर्बेंट डायपर, क्योंकि डायपर की भी एक टेक्नोलॉजी है। विद टाइम डायपर्स में बहुत सुधार आया है। सुपर एब्जॉर्बेंट डायपर वो डायपर होते हैं जो यूरिन को और लिक्विड स्टूल को एब्जॉर्ब करके चारों तरफ जो सुपर एब्जॉर्बेंट एरिया है उसके अंदर वो उसको फैला लेते हैं, जिससे बच्चे की स्किन वेट नहीं रहती। नंबर वन, उनकी जो आउटर लेयर है उस पर भी माइक्रोपोरस फिल्म लगी रहती है, जिसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है थोड़ा थोड़ा इवोपरेट होता रहता है। सेकेंडली, आप अपने बच्चे का डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करें। जब आप डायपर यूज कर रहे हैं, तो प्लीज डायपर को के डिसीजन फाइनेंशियल ना रखें, आप डायपर को फ्रिक्वेंटली यूज करें। आप देखेंगी, जैसे अगर आज जाड़ों में आजकल आप क्लोथ डायपर यूज करते हैं जो घरेलू डायपर है, तो बच्चा रात में ज्यादा जागेगा और ज्यादा डिस्कम्फर्ट में रहेगा, और उसमें ब्लू आउट यूरिन का, स्टूल का बहुत कॉमन है। बट विद डायपर्स कुछ फायदे भी हैं, जो ब्लू आउट आराम से नहीं होता और बच्चा कंफर्टेबली सोता है रात के अंदर। और डायपर को जो पहनाने की कला है, वो पीछे से आगे की तरफ ना पहना के आगे से पीछे की तरफ पहनाना होता है, जिससे कि जो पीछे जो मल द्वार है वहां से कीटाणु आगे शिशु की जगह ना लगे। और डायपर थोड़ा सा नाभि से नीचे रखना चाहिए, तो ना बच्चे का डायपर जो है वो भी बच्चे की एज के अनुसार एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। अब आप उसको हफ्ते में दो बार बैरियर क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे डायपर रैश क्रीम है, कुछ लोग सूडो क्रीम यूज करते हैं, जो नॉर्मल स्किन पे, जब तक उसका हिप एरिया नॉर्मल है तब तक आप वो लगाएं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोप यूज करते हैं उस एरिया में, सोप लगाने से उसका जो पीएच चेंज हो जाता है और डेलिकेट स्किन फटने लगती है और उसके अंदर डर्मेटाइटिस डेवलप होने लगती है। जहां तक हो सके स्टूल वाला एरिया क्लींजिंग लोशन से साफ करें। सभी अच्छी कंपनियों का क्लींजिंग लोशन आता है जो सोप फ्री होता है, आप उससे डायपर एरिया को क्लीन करें, जिससे वो एरिया अच्छा रहेगा। और हफ्ते में दो या तीन बार भी अगर आप डायपर रैश क्रीम या इमोलियंट या पेट्रोलियम जेली कुछ लगा देंगे, जो कि बिना खुशबू वाली और बिना केमिकल वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो लगा देंगे, तो वो उसका जो एरिया है, वो जो डायपर एरिया है, वो बच्चे का सुरक्षित रहेगा। अब यदि आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया है, तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है कि उसका ओवर वेट रहना, स्टूल और यूरिन के मिक्सचर में ज़्यादा उसका घिरा रहना, जिसकी वजह से वो स्किन वहाँ पे, जो स्किन के बीच में स्ट्रैटम कॉर्नियम है, उन उसके बीच में जो गैप है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको डैमेज करने लगता है। मोस्ट कॉमन कारण तो ये है। उसे कैसे आप पहचान सकते हैं? अगर आप देखें जो क्रीज वाला पार्ट है वो बचा हुआ है, जहाँ जो जांगे हैं, जंघाएं हैं बच्चे की वो बची हुई है, और जहाँ स्किन छोटे बच्चों को, क्योंकि बेबी फैट बहुत होता है, तो उनका जो स्किन में क्रीज है वो उस एरिया के अंदर वो रैश नहीं होता, और बाकी स्किन जो है उस यूरिन और स्टूल वाले जो डर्मेटाइटिस है उसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, और वो बहुत रेड हो जाता है, रेड शाइनिंग हो जाता है, जिसपे आप एक माइल्ड स्टेरॉयड 5 to 7 days तक लगा सकते हैं डॉक्टरी कंसल्टेशन से, और फिर एक स्टेरॉयड का हॉलीडे दे सकते हैं। और जब एक बार स्किन हील कर जाए, तब तुरंत आप जो पहले की प्रोटोकॉल से जैसे समझाया गया वैसे उस स्किन को मेंटेन करें। जनरली जब आपके बच्चा डायपर रैश डेवलप कर रहा हो, तुरंत आप डायपर को, कम से कम जब आप उसकी पॉटी और यूरिन क्लीन करते हैं, तो डायपर को, क्योंकि फिर एकदम ऐसा नहीं होता कि उसके तुरंत बाद ही वो यूरिन और स्टूल कर लेगा, कम से कम 15-20 मिनट उसे खुला छोड़ दें, जिससे वो एरिया ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी हो रही है, तो आप एक स्प्रे, जैसा कि मैंने कल बताया था, नमक के पानी से क्लीन करके स्प्रे करके
उसके बाद उसे एयर ड्राई कर दें हेयर ड्रायर से, तो उससे ठंड के समय बहुत देर आपको बच्चे को खुला नहीं रखना पड़ेगा और आप देखेंगे उसकी जो स्किन है बहुत जल्दी हील हो गई। अगर आपके ये सब करते हुए आपका बच्चा 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर से जरूर मिलें, और उसको मिलने के पश्चात जैसे वो फिर वो आपको अपने आप अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। और ये एक बच्चों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सभी बच्चों के साथ होनी है अगर पेरेंट्स इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा बार बार स्टूल भी करता है, बार बार यूरिन भी करता है। बहुत से पेरेंट्स मैंने देखा है 3 3 4 4 घंटे तक डायपर चेंज ही नहीं करते हैं, उन बच्चों के साथ ये ज़्यादा कॉमन है। और अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूँ तो जो चॉफी चॉकलेट और ये बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनको भी डायपर डर्मेटाइटिस हो जाती है, क्योंकि उनको उसमें जो मीठा एसिडिक वगैरह निकलता है तो वो पेरिएनल एरिया को लाल कर देता है, तो उनका आपको बिस्कुट वगैरह या टॉफी चॉकलेट कम करना होगा। तो ये एक बच्चों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जो उन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट देती है, और जब वो डिस्कम्फर्ट में होते हैं तो नेचुरली रूप से आप भी डिस्कम्फर्ट में होती हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहिए, और मैं आपके सामने आता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कल तो हमारी एक और सेशन है, आप परसों आप हमसे डायपर रैश के बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल डायपर रैश के बारे में क्लियर कट लिख के भेजें और मैं आपको फिर उसका उचित जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफी कारगर साबित होगा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।